वाले में बदल लिया। इस बारे में सोचें, अभी कुछ दिन पहले वह एक टॉप स्टार थी। एक मेकअप आर्टिस्ट की दुर्घटनावश कार दुर्घटना में वह एक और दुनिया में पहुंच गई। इस प्रकार वह कहानी की नायिका लैरा बन गई। मूल कहानी में बड़े होने पर तीन मुख्य पुरुष पात्रों द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद अंततः उसे कमजोर कर दिया गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी बिना कुछ समझे बूझे बिता दी लैरा के पाप से खुद को बचाने के लिए। लैरा को अपनी सुंदरता छुपानी पड़ी ताकि उसे कुलीन लोग अपमान न माने, लेकिन यह उसके उद्देश्य के लिए सही था। मुख्य काम यह था कि पुरुष उसे न देखे, और उसका धन्यवाद करना भी बनता था कि मेकअप किट में पुराने युग के सौंदर्य प्रसाधन थे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि शांति से वयस्क दिवस पार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मूल कहानी में मुख्य महिला पात्र एक वयस्कता समारोह में तीन विकृत लोगों द्वारा निगाही जाती है। हमेशा बदसूरत किरदार निभाने वाली लड़की, और अब उसे देखकर यह तय कर लिया है कि इस बार उसे नहीं देखा जाएगा। पुराने कपड़े पहनकर इस बार इसे खत्म करेंगे। यहाँ तक कि कजिन ने भी नफरत का प्रदर्शन किया, जो कि लैरा चाहती थी। आखिरकार जल्दी तैयार होकर एक टॉप क्लास मेकअप आर्टिस्ट की तरह दिखाई दी। उसने खुद को भी हैरान कर दिया। उसने कजिन से पूछा कि वह अब क्यों आई है, जल्दी से बात खत्म करो। कजिन ने बेझिझक अंदाज में कहा कि सर आपसे डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने का अनुरोध कर रहे हैं। उसने सख्ती से कहा कि आपको लेडी की तरह पेश आना चाहिए, वरना आप जानते हैं कि सर कितने शर्मिंदा होंगे। लैरा ने यह सुनकर अविश्वसनीय रूप से देखा। बड़ी आंखें, कल रात की दावत में किसी लोमड़ी की तरह खा रही थी। आखिरकार कौन ज्यादा मतलबी है। लायरा को इस घर का लंबे समय से सामना करना पड़ा है। अगर कहानी अपनी मूल रेखा से हटती है वो बिना कोई भाव दिखाए चले जाएगी, लेकिन इसके पहले उसे इस घर के सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसमें वो भाई शामिल है जो सुअर की तरह खाता है। पहली मुलाकात में ही दोनों लड़ने लगे। भाई ने भी लायरा के पहनावे का मजाक उड़ाया। उसे उम्मीद थी कि वो सही ढंग से और सामान्य कपड़े पहने, क्योंकि वरना वो कैसे बिक सकती है। इस बात ने लायरा के दिल को बहुत गहरा घाव दिया। वो गुस्से में मेज छोड़कर भाग गई। कृपया उत्सुक रहे, भाई के परिवार में कोई भी अपमान मेरी तुलना में कुछ नहीं। कड़ी मेहनत के बाद लैरा ने आखिरकार अपने ब्यूटीफुल आउटफिट में एडल्टहुड सेरेमनी में प्रवेश किया। आज वही दिन है जब मुख्य नायिका की त्रासदी शुरू होती है और उसे खलनायिका द्वारा परेशान किया जाता है। हर पल भावनाओं को रौंदते हुए जीना शुरू होगा। क्या खौफनाक भविष्य है, लेकिन अच्छा है कि इस बार मैंने अपने नियंत्रण में किया है। 9 सालों में मैंने इस कहानी को इतना देखा है कि मुझे ये याद हो गया है, लेकिन क्या मैं आज उससे अलग रास्ते पर चल सकती हूँ? शायद मैं उसे संगीत की दुनिया की ओर खींच लूँ। अब वह सभी की बातें सुनने की केंद्र बन गई है, लेकिन लोगों की तिरस्कार भरी नजरों को देखकर लैरा ने संतोष से सिर हिलाया। इसी वक्त खलनायिका अपनी खूबसूरती और आकर्षक शक्ल के साथ मंच पर आई। उसका शानदार श्रृंगार और अद्वितीय सुंदरता ने विकृत लैरा से स्पष्ट अंतर पैदा किया। अब सभी की चर्चा का विषय यहीं बदल गया था। तुरंत जगह बदलने से लैरा थोड़ी असहज हो गई। मंच पर महिलाओं का प्रवेश भी संकेत दे रहा था कि पुरुष नायक जल्द ही आने वाले हैं। अगले ही पल गार्ड ने दरवाजा जोर से खोला और चिल्लाया, सम्राट और महारानी। रानी ने अपने प्रवेश के समय तीन पुरुषों के साथ प्रवेश किया। वयस्कता समारोह शुरू हो गया। सबसे पहले आई वह दुष्ट रानी। सम्राट ने उसके वयस्कता पर उसे बधाई दी। उसकी सुंदरता ने युवराज को आकर्षित कर लिया। सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। इससे लैरा के दिल में थोड़ी निराशा घर कर गई। वही उम्र थी जब फूल खिलते हैं, और खुद को खुद पर गर्व था। अगर वह खूबसूरत दिख सके तो शायद एक दिन किसी राजकुमार से मिल सकती हूँ और एक शानदार प्रेम कहानी जी सकती हूँ। तभी अचानक, जब लैरा का समय खत्म होने वाला था, किसी ने उसे धक्का दे दिया। लैरा सीधे लुढ़कते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी। वहाँ कोई मदद के लिए नहीं था, बल्कि लोग उसकी तकलीफ पर हंस रहे थे। आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश की। आखिरकार उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब तीनों पुरुष नायकों ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे सभी शायला की खूबसूरती में खो गए थे। वह दीवार के किनारे छिपकर चुपचाप आंसू पोंछती रही। सोचा भी नहीं था कि खलनायिका फिर आकर उसका मजाक उड़ाएगी। वह आई और अभिनय करते हुए उल्टियां करने लगी। इतना विकृत चेहरा कैसे हो सकता है। बस लैरा को उनकी हंसी का पात्र बनना पड़ा। फिर ड्यूक और कॉमस ने शायला को देखा और उसके पास चले गए। लैरा उनसे अधिक संबंध नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने शायला से तुरंत माफी मांगी और जल्दी से वहां से निकल गई। उसके पीछे से कई बुराइयां सुनाई देने लगी। अब वह बस घर भागना चाह रही थी, पर कौन जानता है कि मोड़ पे वह राजकुमार से टकरा जाएगी। लैरा ने कांपते हुए सिर उठाया। राजकुमार उसे देखकर बहुत नाराज लगा। क्या तुम्हारी आंखें बंद हैं? रास्ते पर चलते वक्त तुम्हें दिखता नहीं? उस समय लैरा बस जल्दी से वहाँ से भागना चाहती थी, वो डरते हुए पूछी। उसके बाद रानी भी जल्दी से चली गई। लड़की को घबराते देख राजकुमार उससे छुटकी लेने से नहीं रोक पाए। इस तरह की लड़की का महल में कोई मेल नहीं। बाद में वो भोज कक्ष की ओर बढ़ी। वहाँ उसने दो लोगों के बीच खड़ी एक महिला को देखा। जाहिर है इस तरह की विशेषताएं ही रॉयल्टी से मेल खाती हैं, लेकिन यह अजीब है कि कैसे उस औरत का भागना उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत मिठास का एहसास देता है। अगले दिन सुबह अभी सोई हुई लैरा को उसने गुस्से से जगाया और आदेश दिया कि अब से तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूँगा। पास खड़ी दासी ने तीखा ताना मारा कि तुम्हारा दहेज तुम्हारे और नागपुर की शादी का इंतजार कर रहा है। जब शादी हुई लैरा को तब समझ में आया उसकी इतनी बेचैनी का कारण क्या था। दरअसल उसकी बहन ने उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया, जिससे भाई उसे सस्ते में बेच सके। लैरा एक मगरूर लड़की थी, लेकिन उसे अपनी कीमत समझनी पड़ी। आखिर ये साम्राज्य में कुख्यात बदसूरत लड़की थी। शादी के 10 महीने बाद भी कोई मांगने नहीं आया था। बस लैरा का मन उदास हो गया, और फिर भाई अचानक उत्साहित होकर मिलने आया। क्या तुम मोंटेगुए परिवार को जानते हो? वे उत्तरी क्षेत्र के शासक हैं।
लेकिन जब लायरा ने अपने आने वाले पति का चेहरा देखा तो उसकी सारी सोच बदल गई। ये लड़का भला बदसूरत कैसे हो सकता है, हर तरह से एक सुपर हैंडसम लड़का निकला। लायरा लगातार उसे देखती रही, एकमात्र कमी सिर्फ चेहरे पर कुछ दाग थे, लेकिन ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। लायरा तुरंत उससे मोहित हो गई। लड़के ने उससे असंतोष प्रकट किया, उसने वादा किया था कि वो घोड़े गाड़ी भेजेगा। लायरा ने ये सुनते ही चुप्पी साध ली, हमेशा चुप रहने वाला भाई उसका रास्ता छोड़ देगा। असल में वह चाहती थी कि खुद को बारून के सामने शर्मिंदा कर दे। बारून ने लड़की की उदासी देखी और लायरा से कहा कि जल्दी आराम करें, कोई बात है तो कल बताएं। लायरा ने सुना और जवाब दिया कि कुछ बातें साफ करना बेहतर होता है। क्या आपके पास समय है मुझसे बात करने का, सोच रही थी। आखिर लॉर्ड उसकी शादी क्यों चाहते हैं? एक कुलीन महिला को ये समझना जरूरी है कि उसने क्यों शादी करनी है, ताकि वह किसी मुसीबत में न फंसे। लायरा भी ये समझ नहीं पाई कि ये आदमी आखिर क्या सोच रहा है। लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, पहले तो बाहरी अफवाहें थी जो उसे बहुत नापसंद थी, और दूसरी वजह थी राजा का दबाव, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई और उसके भाई की अप्रत्याशित मौत हो गई थी। दुल्हन बनने के बाद भी वह लॉर्ड के घर की मालकिन बनी रही। बादशाह का मानना था कि सत्ता पर काबू रखना जरूरी है और यह सिर्फ शाही खून के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे जल्द शादी करने का आदेश दिया ताकि उसका पति नया मालिक बन सके। इसके अलावा लॉर्ड ने साफ बता दिया कि उसकी एक प्रेमिका है और तय कर लिया है कि वह प्रेमिका वारिस बनेगी। शादी करने के अलावा उसे पत्नी के किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करना होगा। लायरा ने भी अपनी शर्तें रख दी। दोनों में चर्चा के बाद घरवाला लायरा को कमरे में ले गया। उस खूबसूरत सजावट को देखकर वह दंग रह गई। आखिर लॉर्ड का घर जो ठहरा वो आम लोगों से अलग था। बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। अभी जो उसने शर्त रखी है, एक साल बाद नई पहचान के साथ दूसरे देश में रहने की, इस तरह से वह पूरी तरह से तीनों पागलों से छुटकारा पा सकता है और फिर कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। अगले दिन लैदा फिर से अपनी बुरी शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब वह रेस्तरा में खाने जा रहा था, वो कोने में एक छोटे से बच्चे से टकरा गया। ये बच्चा शायद लॉर्ड का नाजायज बच्चा था। लैदा उत्साहित होकर उसे मिलने गया, लेकिन बच्चा डर से उछल पड़ा। वह बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता था, इसलिए लैदा को ऐसा लगा कि ध्यान से देखें फिर भी काफी प्यारा है। लेकिन अगले ही पल बच्चा अचानक गुस्से में आया और चिल्लाने लगा, क्या देख रहे हो? फिर वो तेजी से वहाँ से भाग गया। जब वो हॉल में पहुँचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान फट पड़ा हो। पहले तो उसे लगा कि वो एक प्यारा सा बच्चा है, लेकिन अब उसे ये साफ हो गया कि वो असल में एक छोटा शैतान है। दोपहर के भोजन के समय माहौल और भी अजीब हो गया था। सब लोग अपने अपने खाने में मग्न थे और कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि घर पर बड़े भाई के साथ खाने से भी बेहतर था, लेकिन इतना औपचारिक भी नहीं था। जैसे ही उसने गलती से चाकू गिरा दिया, लैला को एहसास हुआ कि वह अभी भी एक बच्चा है। गिरी हुई चीजों को देखना और नौकरानी का ठंडा चेहरा देखने के बाद पीठ पीछे लोगों की फुसफुसाहट ने लैला को महसूस कराया कि चीजें इतनी आसान नहीं है। शायद वे एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से उसने महसूस किया कि उसे ताने मिल रहे थे। लैला ने बटलर से नया मांस लाने को कहा। बाद में उसने मांस को छोटे टुकड़ों में काट दिया और नौकरानी से बच्चे को परोसने को कहा। उसने नौकरानी से नई कटलरी बदलने पर जोर दिया और बच्चे को खुशी से खाते देख लैला बहुत संतुष्ट हुई। कई सरदार खुश हो गए और उसे अच्छी तरह से समझने लगे। गुइजो जनजातियों द्वारा स्थापित प्रेमी साझा करते हैं कि उनका सच्चा प्यार माता पिता उसके और उसके भाई के जन्म के बाद प्रेमी से मिलने के लिए उत्सुक थे। जल्दबाजी में उनका भाई भी प्रेमी से मिलने के रास्ते में हादसे में मर गया। इस विकृत दृष्टिकोण ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया। अगर आप प्रेमी से प्यार करते हैं तो फिर शादी क्यों करें? अगले दिन प्रबंधक ने ड्यूक के लिए तैयार हुए कागजात लाए। लैरा ने नए व्यक्तित्व नए नाम के साथ खुद को एक साल बाद के जीवन के लिए तैयार किया। कला के प्रति अपने प्यार के कारण इधर उधर घूमने वाली अकेली महिला लैरा अपने नए जीवन को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने भविष्य की जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। जब उसे नीलाम करके ड्यूक के घर भेजा गया तो लैला ने एक साल बाद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। ड्यूक ने भी अपनी शर्तें रखी। हालांकि उसे नहीं पता था कि पति को नई पहचान की जरूरत क्यों है, लेकिन अगर उससे शादी हो जाती है तो सब ठीक रहेगा। लैला इस समझौते से बहुत खुश थी, सिवाय इसके कि शादी तुरंत क्यों नहीं हो सकती और 5 महीने तक रुकने का क्या कारण है। ये जानकर वह हैरान हो गई कि असलियत क्या है। उसने पाया कि पुराना लॉर्ड उससे एक साल छोटा था, इसलिए उन्होंने इंतजार करने का निर्णय किया ताकि वह अपनी आयु पूरी कर सके। लॉर्ड की गहरी सांस ने उसका राज खोल दिया। ये औरत सच में, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले ये स्पष्ट नहीं था, ये मेरी गलती भी थी। तो अब क्या तुम दस्तखत कर सकते हो? मुझे डर लग रहा है। और कुछ कहने की हिम्मत न हुई, जल्दी से कलम उठाई और हस्ताक्षर करने लगा। जैसे ही उसने कलम की नोक पर जरा हुआ जादुई क्रिस्टल देखा, वह अवाक रह गया। उत्तर के अमीर राजा हस्ताक्षर भी बहुत अच्छा करते हैं। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उसे पानी में डालते ही पन्ना पूरी तरह से गायब हो गया। ड्यूक ने समझाया, ये विशेष स्याही और कागज का गुप्त तरीका है। लैला हैरान रह गई, ये जादू जैसा था। इस बीच ड्यूक ने तुरंत ध्यान हटाने के लिए विषय बदला। लड़का जल्द ही पढ़ाई के लिए निकलने वाला था, छुट्टियों के दौरान उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लैला ने सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं और कोई उपाय नहीं था, पति वापस जा सकते हैं।
लैरा उनसे मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। चलने से पहले उसने पति को साल भर तक लैरा का ध्यान रखने का भी कह दिया। उसके बाद ड्यूक का चेहरा अचानक सख्त हो गया। लड़की की बातें उसे सोच में डाल गईं। साम्राज्य में एकमात्र वही है जिसे जादू के बारे में पता है। एक येलो रेस के आदमी की बहन कैसे जान सकती है इतनी सारी बातें, वैसे ही है ना। इतना ही नहीं, उसने मेरी तरफ हंसते हुए ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने मुझे बिल्कुल याद नहीं रखा। उसकी शक्ल और आंखें बिल्कुल बदल गई थी, केवल उसकी मिठास वहीं रही, लेकिन वह अस्पष्ट असंगति वाकई अजीब थी। तुम अब भी बदसूरत बनकर फायदा उठाना चाहते हो। उसने अपने पति की सारी संपत्ति विरासत में ले ली, यहाँ तक कि उनके घर के आंगन में भी कीमती फूल उग रहे हैं। इस समय देश का सबसे धनी ड्यूक और उसकी पत्नी अपने बगीचे में चाय पी रहे थे, लेकिन पीछे से बार बार हत्याओं की आवाजें आ रही थीं। जब उसने पीछे देखा तो कुछ नहीं था, इससे वह घबरा गई। हिम्मत जुटाकर उसने झाड़ी को हटा दिया। अंदर एक नौकर छिपा था। पकड़े जाने पर नौकर चौंक गया और जोर से चिल्लाया, क्या देख रहे हो अजीबोगरीब, जल्दी से इसे हटाओ। खुद का अनादर देखकर लैरा ने ठान लिया कि अब वह उसे उसके रूप के बारे में सबक सिखाएगी। उसने अपने हाथों को सीने पर बांधते हुए खुद को मजबूत दिखाया। मदद मांगते समय आपको उचित भाषा का उपयोग करना होगा, ऐसे बोलोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। बच्चे ने सुना तो वह तुरंत डर गया और विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया मेरी मदद करें। फिर लैला उनके मदद करने के लिए झुक गई, एक पत्ता तोड़कर बेबी को दी। बच्चे ने उसे ठीक से पकड़कर दिखाया। लैला वास्तव में बच्चे से संवाद करना चाहती थी और पूछा कि क्या वह रोमांचित खेल खेल रहा है, लेकिन उसने ताने मारते हुए कुछ कहा और तुरंत चले गए। बाद में लैरा को घरवाले से पता चला कि पहले वाली मालकिन की मौत उसकी बुरी आदतों और दूसरों के साथ बुरे रिश्तों के कारण हुई थी। खास तौर पर लैरा को लॉर्ड के घर का सर्वेक्षण करने के लिए बुलाया गया ताकि वह देख सके कि कैसे वे इतने बड़े घर में जीवन जीते हैं। अकेला बंद तो था ही, लेकिन थोड़ी अजीब भी लग रही थी। जैसे ही वह रसोई से बाहर निकला, उसने बच्चे को भागते हुए देखा। लैला ने तेजी से उसका पीछा किया और उसे उत्साहपूर्वक मिलने गया। हालांकि बच्चा अभी भी पहले जैसा ही विषैला रहा, लेकिन अंततः उसने लैला के साथ एक कमरे में रहने के लिए हामी भर दी। हालांकि पूरी प्रक्रिया में कुछ असुविधा जरूर थी, लेकिन लैला अचंभित था कि इतनी छोटी उम्र में यह बच्चा क्यों और कैसे किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ तक कि ड्यूक को भी बहुत बदसूरत लगने लगा। आखिरकार पता चला कि वजह उसकी माँ थी। दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे को बदसूरत कहेगी, आमतौर पर तो अपना बच्चा सबसे हैंडसम दिखता है ना। लैला ने भेड़ियों और बाघ की तरह असंवेदनशील आदमी को देखा और आश्चर्यचकित हो गई। इस बिंदु पर उसे वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था। उसने उदास होकर कहा कि उसने दोपहर का खाना नहीं खाया। लैला ने बिना कुछ कहे ही मान लिया। दोपहर का खाना क्यों नहीं खाते, ऐसे कुछ नहीं खाओगे तो बढ़ नहीं पाओगे। अचानक बच्चा खड़ा होकर चिल्लाया, मैं तुम्हारे और अंकल के साथ सहमत नहीं हूँ, शादी। और फिर भाग गए। इस समय सेविका की शिकायत सुनाई दी। लंबे समय से जानी गई इस बात को नहीं जानते हुए भी कि शरीर का ध्यान कैसे रखना है, सारे मिठाई समाप्त कर दी। कृपया आपसे श्रीमान को मिठाई न दें, क्योंकि वो पहले से ही नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। रात भर लैरा सेविका की बातों को सोचती रही। उसने सोचा भी नहीं था कि भोजन के लिए भी नियम है, और दिन में महिला सेविका की बातें बिल्कुल सही थी। खाने को मना करना बच्चों के लिए अच्छा है। ये रिश्ता बचाने के लिए कुछ कहने की कोशिश करने पर भी मुझे मेरी भाभी ने ताना दिया। देखो, अगर आपको ये खुद का एहसास होता तो आप इतने बदसूरत नहीं होते। आखिरकार सहन नहीं कर पाया और फट पड़ा। घर वाला समय पर आया और लैला को ले गया। ये पहली बार नहीं था जब लैला का तिरस्कार हुआ। लैला इन नजरों की आदत हो चुकी है, लेकिन छोटा लड़का ऐसा नहीं है। वो बहुत प्यारा है, फिर भी उसे इशारों से दिखाया जाता है। अभी तो वह बढ़ते हुए शरीर के साथ है। सोचा था कि इस साल शांति से गुजारूंगा, लेकिन वह संभव नहीं लग रहा। अब मुझे राजा से इस बारे में बात करनी होगी। दोपहर में राजा के लौटने के बाद घरवाला ने यह बात कहने से पहले ही देखा कि छोटा लड़का सीढ़ियों पर खड़ा है जिद्दी रूप से। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो, कुछ चाहिए? क्या ताऊजी सच में उस बदसूरत आदमी से शादी करना चाहते हैं? वह न केवल बदसूरत है बल्कि उसका पहनावा भी बेतुका है, लेकिन फिर भी उसके रंग रूप का कुछ तो मिलान हो ही जाता है। श्रीमान ने मास्टर की सलाह को पूरी तरह ठुकरा दिया। उनकी तुलना में हम भी कहीं बेहतर नहीं थे, छोटे मास्टर ने तुरंत चाचा के शब्दों से सहमति जताई। उनकी नजर में वह और चाचा भी किसी न किसी गति में थे। उन्होंने पूछा, बोलो क्यों ढूंढा मुझे? छोटे मास्टर ने अपरिचित होकर पूछा। मेरी निजी कक्ष में मानो अजनबी नहीं आ सकते। दरअसल उन्होंने दिन में वह सेविका की बात सुनी थी। उन्होंने सोचा कि लैरा को एक घंटे की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। श्रीमान को भी विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। सहायक ने कहा कि छोटे मास्टर इस मामले को अच्छे से संभाल लेंगे। मास्टर के चले जाने के बाद प्रबंधक ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। परिवार के साधारण लोग और सेविका मास्टर को देख ही नहीं सकते थे। आपको ही आना होगा और बताना होगा, तभी कुछ होगा। दूसरी तरफ लैला ने रात भर जाकर अपने छोटे भाई के खाने का रिकॉर्ड लिखा। मूल रूप से यह एक व्यवस्थित विवाह था, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन बच्चा सच में बहुत दयनीय हो गया था। हमेशा अपने बदसूरत रूप से खुद को पहचानने वाला, अचानक मेकअप हटाकर आईने के सामने देखा, थोड़ी अजीब लग रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। सोचा भी नहीं था कि रात को इतना देर से ड्यूक वापस आएगा। अंदर प्रवेश किया, दरवाजा लॉक किया और तुरंत बदसूरत मेकअप उतारकर कपड़े बदल ली। इतने देर से ड्यूक के आने की उम्मीद भी नहीं थी। एक ही समय में हाथ पैर व्यस्त हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अच्छा ही है, इस मौके का फायदा उठाकर बच्चे की बात कर सकते हैं। ड्यूक को कमरे में आमंत्रित किया और दृश्य अचानक अनिश्चित हो गया। यहाँ तक कि दोनों एक ही समय में बोलने लगे। मैंने सुना कि कोई बच्चा के खाने पीने को नियंत्रित कर रहा है। अभी वो अपने शारीरिक विकास के चरण में है। हर दिन खाना और दोपहर में मिठाई से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड को यह भी नहीं पता था कि उसका गोलमाल मिठाइयां पसंद करता था। एक ही घर में रहते हुए इतनी बेसिक बात समझने का टाइम नहीं मिला। लॉर्ड की बेटी ने भी कह दिया कि वह बदसूरत है और मिठाइयां नहीं खानी चाहिए। तभी सीधे उसकी बेटी को बदल दिया। कैसी ये बात है, जो अपने मालिक की बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे दूर ही रहना चाहिए।
लेकिन लॉर्ड ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसके दिमाग में केवल आ रहा था कि वह इतना बदल कैसे गई। बचपन में तो वह बिल्कुल अलग थी। श्रीमान की भावनाओं से लैरा असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि मूल कहानी में यह चरित्र पूरी तरह से नहीं था। ये बात स्पष्ट नहीं थी कि श्रीमान और मुख्य किरदार के बीच क्या हुआ था। क्या वे पहले से परिचित थे? दूसरे दिन दोपहर के भोजन के समय छोटे मास्टर ने एक पूरी प्लेट सब्जी के सलाद को देखा। हर दिन ये खाना सच में बहुत बुरा था। जब वो अपने चेहरे पर खुजली को कम करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहते थे तो किसी ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, आपके चेहरे पर फेस मास्क का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। कहा था ना, नहीं कहो। चेहरे पर खुजली अब भी है, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती छूने की। बस ख्याल धीरे धीरे दूर जा रही है। बड़ी देर हो गई है, बदसूरत आंटी नहीं दिखी। अब तो कोई साथ में खाना भी नहीं खाता। इस वक्त लैरा कमरे में स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद ले रही है। जब से ड्यूक ने लैरा को कुछ वक्त आराम करने को कहा है, वो बस कमरे में ही रहकर बिखराव करती रहती है, ताकि पिछली बार की तरह अचानक किसी के आने की स्थिति से बच सके। उसने कमरे में खासतौर पर एक पर्दा भी लगा रखा था, और ये कुछ दिनों से वो मूल लेख को पढ़ने में मशगूल था, लेकिन उसने गोयथ के नाम का जिक्र कहीं नहीं देखा। लेकिन ये पक्का है कि लॉर्ड ने पहले गोलमाल को देखा और उसे सबक सिखाने ही वाला था, जब उसके पीछे से आवाज आई और वह चौंक पड़ा। गोलमाल की आंखें सुंदर दुल्हन पर टिकी थी, और वह सोच भी नहीं पाया कि ये कौन है जो इतना हैरान परेशान कर बड़ा हल्ला मचा रहा है। यकीन करना मुश्किल है कि सामने वाली वही बदसूरत आंटी है। क्या तुम हमेशा मुझे बदसूरत कहने का इरादा रखते हो? इस तरह की बातें करना अशिष्ट है। इस समय लैरा की आंखें बच्चे की नजरों में चमक रही थी। तुम अल्केमिस्ट हो या जादूगर? कैसे एक रात में इतना बदल गए? अनजाने में बच्चा बोल गया। शुश, अध्यापक कहते हैं जादूगरों का रहस्य किसी को नहीं पता। तुम मुझे दोष मत दो, दूसरों को बताओ। आखिरकार उस अजीब लड़चकी की सच्चाई सामने आ गई। यहाँ तक कि जादूगर का रहस्य भी पता चल गया। तभी पता चला कि उसने अनजाने में सब कुछ बोल दिया। मूल में प्रिंस अक्सर इसका उपयोग करते थे, और उसे लगा कि ये सभी को पता है। उसे लगा कि उसने ही जादू का इस्तेमाल कर लिया। व्याख्या केवल समान कौशल के बारे में बात कर रही थी। सुनते ही अच्छा लगा कि बच्चा भी कोशिश करना चाहता है। बच्चे की इतनी स्पष्ट और दयनीय स्थिति को देखते हुए लैला ने तय किया कि उसकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार बच्चा हमेशा अपनी दिखावट को लेकर बहुत चिंतित रहता था, और नहीं चाहती थी कि वह आत्मसम्मानहीन जीवन जिए। सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ और तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन लैला ने एक शर्त रखी कि भविष्य में वह खुद को बदसूरत नहीं मानेगा। लैला ने अपनी बात पूरी करने के बाद जादुई मेकअप किट निकाली, लेकिन फिर भी बच्चे के चेहरे पर कुछ झिझक सी दिख रही थी। पूछा उसका चेहरा किस चीज से पुता हुआ है। असल में वह हर रात तेल लगाते थे। उसने कद्दू चुकाया। लगता है बच्चे को कद्दू से एलर्जी है। सच में उसने समझा कि कद्दू का स्वाद तीखा होता है। काफी समय बाद आखिरकार छोटा लड़का मान गया। उसने आईने में अपनी ओर देखा और भौं चढ़ाई। मैं यहाँ कैसे और अधिक बदसूरत दिख रहा हूँ? लेकिन लैला की व्याख्या सुनकर उसने फैसला किया कि लैला पर भरोसा करेगा। शक के साथ लैला का अनुसरण करते हुए वह सो गया, बिना यह जाने कि उसने अपनी भाभी के प्रति अपना नजरिया छोड़ दिया है। थोड़ी ही देर में वह सो गया, और सोते हुए भी उसका चेहरा अच्छा दिख रहा था। हालांकि वह अपनी उम्र के लोगों से थोड़ा ज्यादा पतला दिखता था। अनजाने में ही गोलमाल उसे सोते हुए देखता रहा। रात को लॉर्ड घर लौट आया और उसे ये बात सुनने को मिली। लॉर्ड ने भी नहीं सोचा था कि वह अभी तक अपनी पत्नी के साथ सोया नहीं था, और गोलमाल ने पहले ही जगह घेर ली थी। अगले दिन दोपहर तक लैरा ने बिस्तर छोड़ दिया। गोलमाल ने जब दुल्हन को एक बार फिर बदसूरत पाया, तब वह और भी हैरान हो गया। वह समझ ही नहीं पाया कि लैरा की ऐसी हालत कैसे हो गई। यह भी नहीं सोचा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन गोलमाल ही निकला। समझ ही नहीं आ रहा है। उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार लैरा को सांत्वना देंगे। वे बोले, चिंता मत करो, तुम्हें सीधा जवाब नहीं मिला है। गाड़ी से उतरने के बाद भी उन्होंने लैरा को कमरे में ले जाने की कोशिश की। तब तक लैरा थक चुकी थी। पूरे रास्ते राजकुमार की बातें ही सुनती रही। कहाँ पता था कि एक ठंडे स्वभाव के दिखने वाले आदमी इतनी बातें कर सकता है। पूरे रास्ते उसने एक मिनट के लिए भी चुप नहीं किया। क्या पहले वो बस दिखावा कर रहा था? लैरा का प्यार से कोई वास्ता न रखने वाले शख्स की तरफ जाते हुए, भले ही वह एक राजकुमार हो, उसकी आदर्श छवि अभी भी बिल्कुल सही लगती है। सोचते हुए अचानक करीब आए राजकुमार से डरी। अगर बाद में कुछ चाहिए होगा, गृह प्रबंधक से बात कर सकते हैं। विदाई के बाद दोनों अलग हो गए। राजकुमार को भी एहसास हुआ कि यह पहली बार है जब वह दूसरों के सामने अपने दिल का दरवाजा खोल रहा है। पिछली सभाओं में कुलीन लोग अक्सर उसे अजीबोगरीब समझते थे। आज वह सबसे अप्रिय सभा में भी मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया। ये राजकुमार के आगे बढ़ने का कदम था। अचानक रुक गया। कमरे से आती हंसी की आवाज़ सुनकर पता चला कि वह पूर्व राजकुमार की पत्नी है। राजकुमार ने तुरंत मुस्कान छुपाई और गंभीरता से दरवाजा खोला। हैरान हूँ कि वे ऐसे समय में, जबकि मैं राजमहल की नीति में निपुण नहीं हूँ, उस महिला की आलोचना करने की जरा भी परवाह नहीं की। क्या मुझे अपने ही बेटे से मिलने के लिए किसी की अनुमति चाहिए? और भी, राजकुमार ने लैरा के कमरे को खाली करवाने के लिए कहा। दरवाजे पर भी नहीं पहुंचे थे कि राजकुमार बिना कोई अधिकार जताए इससे निपटने लगे। वे छोटे बच्चे पर प्रभाव डालने से डरते हैं, इसलिए उन्हें लाइब्रेरी में भेज दिया। ये सुनकर महिला नाराज हो गई। मैं राजकुमार की महिला हूँ, वापस आओ और देखो मेरे बेटे को। किसी की हिम्मत है कि मेरे खिलाफ कुछ कहे? यह महिला और भी गुस्सैल हो गई। मैं राजकुमार की महिला हूँ, लेकिन राजकुमार की पत्नी के खिलाफ। लैला दरवाजे के बाहर नहीं गई। वह अब भी महिला है, लेकिन राजकुमार ने उससे बहस की। पहले राजकुमार शांत था, इतनी जल्दी नहीं देखा, इतना बदल गया। उसके ठंडे शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। और इस समय के राजा भी अच्छे नहीं थे। देवताओं के साये में होने के बावजूद उन्हें योनि की हरियाली के समय औषधि की आवश्यकता होती थी। ये औषधि केवल राज परिवार के पास होती थी, इसलिए उसे राज परिवार के चेहरे की ओर देखना पड़ता था।
उन्हें डर था कि उनका यह व्यवहार लैरा को खटक सकता है। दूसरी तरफ लैरा खुश थी कि उसने सुरक्षित रूप से वयस्कता की रस्म पूरी कर ली। हो सकता है यह राजकुमार की सुरक्षा के कारण ही हुआ हो। वयस्कता की रस्म से पहले ही गृह प्रबंधक ने उसे ये बालियां दी। ये डिजाइन राजकुमारी ही पहन सकती है। इसे पहनकर अन्य राज परिवार के सदस्य सुरक्षित रह सकते हैं। कोई भी साहस नहीं करता। लैला जानती है कि राजकुमार सबको अपनी महानता दिखाना चाहता है। तभी अचानक दस्तक की आवाज हुई। बाहर का व्यक्ति किसी को देखे बिना दरवाजा खोलता है। लैला जल्दी से अपने बाल संवारती है और पाती है कि बाहर केवल कुछ आम लोग हैं। कहता है कि वह लैला के लिए एक विशेष नायिका चुनने के लिए प्रबंधक की तरफ से आया है। लैला ने उसकी इस हरकत को देखकर समझ लिया कि वह अच्छे इरादों से नहीं आया है। वह सिर्फ इन लोगों को कमरे में दाखिल होने दे सकती थी। इस दौरान वह सिर्फ प्रबंधक से बात करती रही। कहा था कि यह नौकरानियां अब पहले जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन वे अब भी वही पुराना रवैया दिखा रही हैं। यह हाल देखकर काहे की विशेष नायिका, उनसे अपने गुण बताने को कहो तो सब बहाने ही बनाएंगी। स्पष्ट दिख रहा था कि वे जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने आई थी। आज जब उसने राजकुमार से दिल खोलकर बात कर ली थी तो उसने फैसला कर लिया था कि अब से वह कुछ नहीं छुपाएगा। अब ऑनलाइन फैंस भी उसकी नौकरानी बनने के लिए नहीं कह सकते। सब नौकरानियों में से एक ने तुरंत अपना कड़ा चेहरा दिखाया और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ बातचीत के बाद सब खुश होकर कमरे से निकल गए। अब सिर्फ उस मर्द को छोड़कर समाज की सबसे खूबसूरत औरत को कोई प्यार